विजापुर गांव में अश्विन नाम का एक धनवान साहूकार रहता था। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा लोगों की निंदा करता और सभी लोगों को अपने से कम समझता था। उसे लॉटरी के टिकट खरीदने की आदत थी। उसी गांव में संजय नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास कपड़े धोकर सुखाता और घर जाकर उन कपड़ों को प्रेस करता था। एक दिन संजय मैले कपड़े लेने अश्विन के यहाँ आता है। अश्विन जी, आपने पहनी हुई ये कमीज बहुत बढ़िया है, कितने की है? और अगर कोई पुराना जींस हो तो मुझे दीजिए ना, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जींस नहीं पहना है। ये कमीज 5,000 का है, तुम इस जन्म में भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी हैसियत तो धोती पहनने की भी नहीं, और तुम्हें जींस चाहिए। यही फर्क है धनवान और गरीब में। जाओ जाओ, वही जींस वींस नहीं है मेरे पास। संजय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने घर चला आता है। वहाँ उसे अश्विन के कपड़ों में एक लॉटरी का टिकट मिलता है। ये लॉटरी का टिकट उस कमीने का ही होगा, पैसे का कितना घमंड है उसे। हे भगवान, ये लॉटरी का टिकट मुझे ही लगा देना तो मैं 100 नारियल चढ़ाऊंगा और मैं 100 जींस खरीद कर पहनूंगा। इस टिकट को लॉटरी लगेगी कि नहीं, ये तो मुझे शिवा बाबा ही बता सकते हैं। ये सोचकर वो शिवा बाबा के पास जाता है, बाबा को प्रणाम करता है। बाबा जी, इस लॉटरी के टिकट को इनाम मिलेगा कि नहीं, जरा देखकर बताओगे क्या? तुम्हें तो पता है बेटा, मैं बिना दक्षिणा के कुछ भी नहीं बोलता। पहले उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दो, तब मैं तुमसे बात करूंगा। संजय ने उस दान पेटी में 1,000 रुपए डाल दिए। बाबा ने टिकट देखा और कहा, अरे बेटा, इस टिकट पर 9, 6, 3, 5, 8 लिखा है, कुल मिलाकर 31 हो जाते हैं, और 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। तुम्हारा लकी नंबर 5 है। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम लॉटरी का नंबर 9, 6, 3, 5, 9 लेकर आओ। ये तुम्हारा लकी नंबर है। तुम्हें इस नंबर से 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जाओ बेटा, लॉटरी का ये वाला नंबर लेके आओ। ओम नमः शिवाय। भैया, सुबह आपने गलती से मुझे ये टिकट दिया था। मुझे आप अगला नंबर वाला टिकट दोगे क्या? ये वापस ले लो, और चाहो तो इसके बदले में मैं 100 रुपए ज्यादा दे सकता हूँ। ये कहकर संजय ने पैसे और टिकट लॉटरी वाले को दे दिया। क्यों भाई संजय, तुम भी इस न्यूमेरोलॉजी में विश्वास करते हो क्या? ठीक है, ये लो अगले नंबर के लॉटरी का टिकट। दुकानदार ने संजय को लॉटरी का टिकट दे दिया। संजय गांव आकर खूब खुशी में नाचने लगा। ये देखकर सभी गांव के लोग अचरज से उसे देखने लगे। क्यों भाई, सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? आज से मैं अमीर बन जाऊंगा, और अब से मुझे आप लोगों के बदबूदार कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सबको मैं 1,000 रुपए भी दूंगा। अब जाओ, अपनी गंदी शक्ल लेकर निकलो यहाँ से। इधर अश्विन की एक आदत होती है, जो भी लॉटरी के टिकट का नंबर होता है उसे एक बोर्ड पर लिख कर रखना और दूसरे दिन उसे चेक करना। अगले दिन न्यूज़पेपर में वो बारीकी से देखने लगा और नंबर मिलाने लगा। अरे ये क्या, मैंने पहला इनाम जीत लिया है, मैंने पहला इनाम जीत लिया है। अरे भाग्यवान, जरा मेरा कमीज लेके आना, उसमें लॉटरी का टिकट है। अरे कल संजय आया था तो मैंने उसे वो कमीज धोने को दे दिया। हे भगवान। ये कहकर अश्विन संजय के घर की ओर भागा। मेरा कल का लॉटरी का टिकट कहाँ पर है संजय, सच सच बताओ। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास ही है। आप हमेशा मुझे खरी खोटी सुनाते हो, इसलिए ये बात मैंने आपको नहीं बताई। संजय निकालो वो टिकट, उसे 1 करोड़ का इनाम लगा है। मुझे पता ही था कि उस लॉटरी के टिकट को इनाम लगेगा, बाबा ने कहा था। मगर आप मुझे उसमें से क्या दोगे, मैं तो गरीब हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें लॉटरी का आधा हिस्सा दे दूंगा, मगर मेरे कपड़े भी तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। हाँ हाँ अश्विन जी, मैं सिर्फ आप ही की कमीज धोऊंगा और किसी की कमीज नहीं धोऊंगा। ये लीजिए आपका लॉटरी का टिकट। 9, 6, 3, 5, 9, ये तो मेरा टिकट नहीं है। आपने सही पकड़ा है साहब, ये वो वाला टिकट नहीं है। मुझे शिवा बाबा ने कहा था कि वो नंबर बदल कर लाओ और ये नंबर ले लो, और बस मैंने लॉटरी का टिकट बदल दिया। अरे कमबख्त, तूने लॉटरी लगा हुआ टिकट बदल दिया है और ये बेकार का टिकट लेके आया है। अब काहे की लॉटरी, तेरी वजह से मेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये कहकर अश्विन जी ने संजय को खूब मारा। अरे रुकिए अश्विन जी, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। जैसे आपने मेरी धुलाई की है, वैसे ही मुझे भी किसी और की धुलाई करनी है। पूरी जिंदगी खराब कर दी है उसने। आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो उसकी धुलाई करने। अश्विन और संजय दोनों शिवा बाबा के पास जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। शिवा बाबा गांव छोड़कर चले जाते हैं और संजय फिर से अपने कपड़े धोने के काम में लग जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पाखंड से दूर रहना चाहिए और किसी और की वस्तुओं पर अपना हक नहीं जताना चाहिए।